दोस्तों आज मैं एक मशीन दिखाने वाला हूं बना के, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने पौधे में दवाई जो मेडिसिन होते हैं वो स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप पेट्स कंट्रोल का काम करते हैं तो वहां भी ये काफ़ी काम आने वाला है। इसके मदद से आप आसानी से दवाई किसी भी जगह में आप छिड़क सकते हैं। तो ये पंप जो है 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का है और ये 6.8 बार जो है कट ऑफ होता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेस करेंगे तो ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इस पंप को चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का एक अडेप्टर होना चाहिए, जबकि मेरे पास है 12 वोल्ट 5 एम्पीयर। तो आपके पास जो मोटर है वो 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का है, तो आप 4 या 5 एम्पीयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये अटैचमेंट बनाया है, ये आपको आसानी से किसी भी पुराने जो दवाई डालने वाली स्प्रे है उसमें से आपको ये मिल जाएगा। और ये जो पाइप है ये मैंने RO के दुकान से ख़रीदा है, साथ में ये कनेक्टर भी आपको उसी दुकान में मिल जाएगा, तो ये आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बहुत लंबी पाइप का इस्तेमाल करने वाला, जिसकी मदद से आप अपने दूर में रखे हुए गमले में भी दवाई छिड़क सकते हैं, या फिर आप अगर पेट्स कंट्रोल का काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आपका जो स्प्रे है वो नहीं जा पाता है, छोटे छोटे जगह होते हैं, तो ये पाइप जो है बहुत पतली और स्ट्रांग है, तो इसके मदद से आप आसानी से वो दवाई वहाँ पे छिड़क सकते हैं। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, आप ब्लैक में ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लीजिए और रेड में रेड वायर को कनेक्ट कर लीजिए। पाइप लगाने से पहले आप देख लीजिएगा कि इनपुट और आउटपुट कौन सा है, आप वो देख लीजिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा ये इनपुट है और ये वाला हिस्सा आउटपुट है। तो आउटपुट में मैंने कुछ इस प्रकार से कनेक्टर लगा लिया है, जो कि ये RO की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा, और ये वाला जो है इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये कनेक्टर को यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाता है और इसे टालने पे भी नहीं निकलता है, जब तक आप इस चूड़ी को प्रेस नहीं करेंगे पीछे ये पाइप नहीं निकलने वाला। तो आप अपने हिसाब से पाइप को जो है लंबा कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब हम इसे पावर यहाँ पे दे देते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी स्पीड है और ये इतना प्रेशर लगा रहा है कि मैं इस पाइप को संभाल नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी स्पीड है और यहाँ से आप जो है इसका तो दोस्तों ये इतना इसमें हाई प्रेशर लगाया कि ये वाला जो मैंने बांध के रखा था ये निकल गया। तो मैं यहाँ पे गैस में इस्तेमाल करने वाला जो सी क्लैंप है मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, जिसकी मदद से ये फुल टाइट हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, अब इसे चालू करते हैं। तो यहाँ से हम इसे इसका जो प्रेशर है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको स्प्रे करना है तो आप देख सकते हैं ये खोल दिया मैंने, तो यहाँ से आप इसके स्प्रे में काम कर सकते हैं, कितना अच्छा इसमें से निकल रहा है। तो आप दवाई अगर पौधे में छिड़कना चाहे तो आप इससे छिड़क सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से स्प्रे करेगा, अगर आप पौधे में दवाई डालना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका स्प्रे कर रहा है। तो इससे मदद से आप अपने पेट्स कंट्रोल काम करते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी दीवार के कोने में आसानी से आप दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका दवाई वेस्ट नहीं होगा और अच्छे तरीके से जो है आप दवाई जो है छिड़क पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसे बना सकते हैं घर पे ही और अपना 4 से 5 हज़ार रुपये मशीन खरीद से बचा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अपने ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।